हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। उसका थ्योरी भी हम लोगों ने देखा था और उनका एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज 3.1 में आता है, जितने भी क्वेश्चन सबको हमने एक एक करके सॉल्व किया था। जिसने भी वो उस लेक्चर को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 के प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ये इस वीडियो को देखना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, जो कि है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ ऑपरेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स पे क्या क्या होता है। फर्स्ट में हम लोग ऑपरेशन में देखेंगे, फर्स्ट में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स को, जो दो अलग अलग मैट्रिक्स को, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए और बी है, तो उन दोनों को जब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें हम लोग अभी देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए राम है, राम एक आदमी है, राम इसके पास दो कंपनी है, कंपनी ए राम है, राम हैज टू कंपनी, टू फैक्ट्री, ठीक है, टू फैक्ट्री से ए है एंड बी है, ए बी दो फैक्ट्री है राम के पास, राम के पास दो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए है एंड फैक्ट्री बी है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे है। मान लीजिए एक दिल्ली में है तो एक मुंबई में है, ठीक है। और ये दोनों फैक्ट्री में, इन दोनों फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोर्ट्स शूज। इन बोथ कंपनी, इन बोथ फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस शूज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। समझ में आया? राम का जो दो कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, जो डिफरेंट प्लेस पर है, और इन दोनों कंपनियों में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, शूज प्रोड्यूस हो रहा है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए एक शूज प्रोड्यूस हो रहा है दोनों कंपनी में। और जिस शूज़ का दाम तीन कैटेगरी में है, मतलब तीन रेट में उस शूज़ का दाम है, किसी का दाम है 10 रुपया, किसी का दाम है 50 रुपया, किसी का दाम है 150 रुपया, ठीक है, ऐसा टाइप का। मतलब कैटेगरी वन इन बॉयज इतना, इन डिफरेंट क्या, डिफरेंट प्राइस कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो इनका दाम डिफरेंट कैटेगरी में, मान लीजिए किसी शू का दाम है 150 रुपया, किसी का है 200 रुपया, किसी का है 400 रुपया, मतलब 400 रुपया, मतलब तीन कैटेगरी में शूज का क्वालिटी किसके हिसाब से उसका दाम है। तो अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए पहले फॉर फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, यहाँ है फैक्ट्री बी, ठीक है। फैक्ट्री ए में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, शूज प्रोड्यूस हो रहा है, कितने, कौन कौन दाम में, एक कैटेगरी वन में है, कैटेगरी टू है, कैटेगरी थ्री है, इसमें भी कैटेगरी वन टू एंड थ्री, मतलब एक कैटेगरी है जिसका फर्स्ट कैटेगरी जिसका कुछ दाम है, मतलब कुछ रुपया उसका दाम है, इसका कुछ डिफरेंट रुपया, उससे अलग कुछ पैसा दाम है, इसमें इस कैटेगरी में भी अलग दाम है उसका। तो क्या हो गया, देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो फैक्ट्री है, देखिए यहाँ पे फॉर बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए, ठीक है, यहाँ भी बॉयज़, ये गर्ल्स, ऐसा बनेगा ना। देखिए फैक्ट्री ए में बॉयज़ के लिए कैटेगरी वन के लिए कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें 20 एलिमेंट बनाया, ए वन कैटेगरी, वन कैटेगरी में 20 शूज़ बनाया है बॉयज़ के लिए और 30 शूज़ बनाया है गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, दूसरे कैटेगरी का, मतलब दूसरे रेट का, इसमें 50 पीस बनाया है बॉयज़ के लिए और 20 पीस बनाया है गर्ल्स के लिए, तीसरे कैटेगरी के प्राइस के रेट के हिसाब से बॉयज़ के लिए बनाया है 40 रुपीज़ और इसके लिए बनाया है 30 रुपीज़, इसमें बनाया है 50 रुपीज़ गर्ल्स के लिए, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब क्या, ये फैक्ट्री बी में,
फैक्ट्री बी में ये बनाया बॉयज के लिए A1 कैटेगरी के का माल, A1 कैटेगरी का शूज, वो है 90 रुपये, ठीक है। इसमें बनाया है 80 रुपीज़ के लिए, ठीक है। ये बनाया है 70 के लिए, इसमें बनाया 55 के लिए, इसमें बनाया 75 रुपीज़। थर्ड कैटेगरी मतलब कोई कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी का जो शूज है उसका थर्ड कैटेगरी में क्या रेट है, उसका 75 पीस बनाया बॉयज़ के लिए। और ये बनाया है, इसमें भी बनाया, मान लीजिए इसके लिए भी बनाया 75 रुपीज़, ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो अब ये इतना हो गया, ये फैक्ट्री ए में इतना प्रोड्यूस हो रहा, शूज़, और फैक्ट्री बी में इतना प्रोड्यूस हो रहा। कैसे? बी फैक्ट्री ए में बॉयज़ के लिए कितना प्रोड्यूस हो रहा है, A1 कैटेगरी के मतलब कुछ रुपया का माल, मतलब जो भी दाम है। ई कैटेगरी क्या बता रहा है, प्राइस का कैटेगरी है, प्राइस मतलब कुछ प्राइस A1 जो सोच कर रहा है वो कुछ प्राइस फिक्स है, इसमें कुछ प्राइस फिक्स है, इसमें कुछ प्राइस है। मतलब वन कैटेगरी में 20 गो माल बना रहा है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 30 शूज़ बना रहा है। टू कैटेगरी में 50 शूज़ बना रहा है गर्ल्स, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 20 शूज़। थ्री कैटेगरी में बॉयज़ के लिए 40 शूज़, गर्ल्स के लिए 50 शूज़। सेम इसी तरह फैक्ट्री बी में, फैक्ट्री बी जो है वो बना रहा है बॉयज़ के लिए 90 पीस, फोर कैटेगरी वन, एंड कैटेगरी वन के लिए गर्ल्स के लिए 80 पीस बना रहा है शूज़, ठीक है। कैटेगरी टू में 70 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 55, एंड कैटेगरी थ्री में 75 बॉयज़ के लिए बना रहा है एंड गर्ल्स के लिए भी 75 बना रहा है। अब इसको, अब इसमें क्या बोल रहा है, सपोज राम वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ इन ईच प्राइस कैटेगरी, क्या होगा? मतलब राम, अब राम का जो कंपनी है, अब राम जानना चाह रहा है दोनों फैक्ट्री में, दोनों फैक्ट्री में टोटल कितना प्रोडक्ट बन रहा है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए इन डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब हर कैटेगरी के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, हर कैटेगरी में बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों कंपनी मिला के टोटल कितना प्रोडक्ट्स बन रहा है, टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है शूज़, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए टोटल सपोज यहाँ लिखते हैं हम लोग, सपोज राम वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शूज इन ईच क्या होगा, कैटेगरी या प्राइस कैटेगरी लिख दो सीधा सीधी, प्राइस कैटेगरी कैटेगरीज, ठीक है। तो क्या होगा, देन द टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, देखिए इन वन, यहां देते हैं इन टू, ठीक है, इन कैटेगरी थ्री, कैटेगरी थ्री में, ठीक है, फॉर बॉयज के, फॉर बॉयज देखिए कैटेगरी वन में बॉयज के लिए कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कैटेगरी वन में बॉयज के लिए कितना हो रहा है 20, ए कंपनी में, बी कंपनी में कितना हो रहा है 90, मतलब वन कैटेगरी का प्रोडक्ट दोनों कंपनी मिला करके फॉर बॉयज़ के लिए इतना प्लस इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसमें कैटेगरी टू में क्या हो रहा है, 50 हो रहा है बॉयज़ के लिए ए फैक्ट्री में, और बी फैक्ट्री में 70 हो रहा है। उसी तरह यहाँ क्या होगा, फैक्ट्री इन कैटेगरी थ्री में, फैक्ट्री ए में कितना हो रहा है बॉयज़ के लिए 40, प्लस गर्ल्स के लिए कितना हो रहा है 75, ए प्लस बी फैक्ट्री में बॉयज़ के लिए कितना हो रहा है 75, ठीक है।
अब यहाँ पर वो फॉर गर्ल्स के लिए क्या हो रहा है, फॉर गर्ल्स के लिए कितना हो रहा है, ए फैक्ट्री में कैटेगरी वन के लिए 30, बी फैक्ट्री में कैटेगरी वन के लिए 80, यहाँ फिर सेकंड कैटेगरी में कितना हो रहा गर्ल्स के लिए, एक ए फैक्ट्री में 20 प्लस बी फैक्ट्री में 55, ठीक है हो गया यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड कैटेगरी में का माल कितना बना रहा है, थर्ड कैटेगरी का शूज़ कितना बना रहा है फैक्ट्री ए गर्ल्स के लिए 50 प्लस फोर फैक्ट्री टू फैक्ट्री बी में 75, ये इतना बना रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लोग टोटल का देखिए कैसे लिखेंगे। अभी देखिए इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए वो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए क्या था, देखिए यहाँ दोनों फैक्ट्री मिलकर कितना प्रोड्यूस कर रहा है बॉयज़ के लिए 90 प्लस 20 प्लस 90। फॉर गर्ल्स के लिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है ए कैटेगरी वन के लिए दोनों मिला के 30 प्लस 80। उसके बाद कैटेगरी बी के लिए बॉयज़ के लिए दोनों कंपनी मिला के कितना प्रोड्यूस कर रहा है 50 प्लस 70। और गर्ल्स के लिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है 20 प्लस 55, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 55। उसके बाद कैटेगरी थ्री का स्पोर्ट्स दोनों कंपनी मिला दोनों फैक्ट्री मिला के बॉयज़ के लिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है 40 प्लस 75, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 75। गर्ल्स के लिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है 50 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 75। तो अब इसको एडिशन करते हैं, इसको बराबर करके इसको ऐड करते हैं, देखिए इसको ऐड करेंगे क्या होगा, क्या हुआ 20 प्लस 90 हो गया 110, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 110, ये कितना हो गया, ये हो गया 120, ये कितना हो गया, ये होगा 75, और ये हो जाएगा आपका 115, और ये हो जाएगा आपका ये भी, ये कितना होगा 125, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ये देखिए ये आपका मैट्रिक्स बना ओवरऑल दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, दिस न्यू मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एबव टू मैट्रिक्स, ये जो नया मैट्रिक्स बना ये क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम है। वी ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। समझ में आया कैसे हुआ, पहले क्या हुआ था, पहले देखिए क्या हुआ, पहले कोई मान लीजिए किसी आदमी को कंपनी था, वो एक मान लीजिए एक कंपनी है। इससे देखिए दो चीज़ सीखने को मिल रहा है, एक फर्स्ट जो लेक्चर हम लोग ने दिया था फाइव मैट्रिक्स का, उसका क्या मतलब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आखिरकार मैट्रिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उससे ये आप सीख सकते हैं कैसे, कि राम कोई आदमी है जिसके पास एक कंपनी है ए, और इस कंपनी में दो जन के लिए शूज़ प्रोड्यूस हो रहा है या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, और इन दोनों के लिए अलग अलग दाम का प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट है जो एक रुपया करके, दूसरा प्रोडक्ट 2 रुपये करके, तीसरा प्रोडक्ट 3 रुपये करके, किसके किसके लिए, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। तो बॉयज़ के लिए 1 रुपया में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 20 गो बना है प्रोड्यूस हुआ, गर्ल्स के लिए 30 प्रोड्यूस हुआ, टू कैटेगरी का जो है वो 50, 20, उसी तरह ये है। तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बन गया। सेकंड अगर उसी पर एक और फैक्ट्री है उसमें भी सेम चीज़ हो रहा है, बट इस फैक्ट्री में अलग 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 अलग
क्वांटिटी में बन रहा है, मतलब एक कैटेगरी मतलब 1 रुपया का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 94 बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए इतना बन रहा है, 2 रुपये के लिए इतना इतना बन रहा है। तो ये दो दो मैट्रिक्स बन गया, यहाँ मैट्रिक्स बनाना सीख गया। आखिरकार एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से आपको समझ में आया। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो दो कंपनी है इस आदमी का, उस उन दोनों कंपनी का दोनों दोनों कंपनी को मिला करके टोटल कितना माल बना रहा है, कितना प्रोडक्ट बना रहा है फॉर बॉयज़ के लिए और फॉर गर्ल्स के लिए भी, और अलग अलग कैटेगरी में, इन तीनों कैटेगरी में। तो उसको उसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हमको सीखने को मिला, ये ओवरऑल से क्या मिला कि ये जो बॉयज़ के लिए बना रहा है वन कैटेगरी के लिए, वन कैटेगरी का प्रोडक्ट बॉयज़ के लिए बना रहा है फर्स्ट फैक्ट्री, वही फैक्ट्री वो जो, और इसका इसका प्लस जो सेकंड फैक्ट्री बना रहा है एक कैटेगरी वन कैटेगरी का बॉयज़ के लिए, उन दोनों का सम करें, मतलब इस ये जो मैट्रिक्स बना और ये मैट्रिक्स बना, अगर इन दोनों का टोटल बोलेगा या एडिशन बोलेगा, टोटल मीन्स एडिशन दोनों का जोड़, तो एडिशन बोलेगा, तो क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट इस दूसरे मैट्रिक्स में है उन दोनों का सम करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे सम किए, सम करने के बाद ये आया। तो इससे आपको पता चला कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में, उसका एडिशन करना है। तो इस यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक समझ में आएगा यहाँ पर से अच्छे से, एक लेते हैं हम लोग इफ, एक मैट्रिक्स लेते हैं जनरल फॉर्म बनाने के लिए, एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13 ऐसा रहेगा। मान लीजिए 3 एलिमेंट है रो में, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। मान लीजिए 2 × कितना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब 2 रो × 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है ए, और दूसरा भी मैट्रिक्स है बी, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका एलिमेंट है B11, B12, B13 ठीक है, दूसरा रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है दूसरा रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, ये भी कैसा है 2 रॉ है इसमें और 3 कॉलम है, मतलब 2 × 3 का मैट्रिक्स है ये भी 2 × 3 का मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है फाइंड क्या बोल रहा है, फाइंड ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो एडिशन बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, मान लीजिए ए प्लस बी करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बन रहा है, तो इस जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसको मान लीजिए सी है, ठीक है। तो ये जो सी है ये कैसे मिलेगा हमको, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने से कैसे मिलेगा, ए वन वन प्लस किसके साथ ऐड होगा, बी वन वन के साथ ऐड होगा, ए वन टू किसके साथ ऐड होगा, B12 के साथ ऐड होगा, A13 किसके साथ ऐड होगा, B13 के साथ ऐड होगा, उसी तरह यहाँ A21 किसके साथ ऐड होगा, B21 के साथ, A22 किसके साथ ऐड होगा, B22 के साथ, एंड लास्ट वन इज A23 किसके साथ ऐड होगा, B23 के साथ। ये जो नया मैट्रिक्स बना, देखिए ये जो नया मैट्रिक्स बना उसमें भी क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब 2 × 3 का ही मैट्रिक्स बन रहा है। मतलब क्या, जब अगर इससे क्या पता चल रहा है, 2 मैट्रिक्स का एडिशन तब भी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। देखिए ऑर्डर देखिए सेम है तभी इसका पॉसिबल हुआ, अगर ऑर्डर डिफरेंट रहता, अलग रहता ऑर्डर, तो पॉसिबल नहीं होता इसका एडिशन। मतलब यहाँ से पॉइंट नोट करने का बात है, अगर यहाँ पे नोट करिए, आप क्या नोट करिएगा, इफ़ ए मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर ए, इफ़ ए टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैविंग ऑर्डर M × n सेम ऑर्डर है, हैविंग सेम ऑर्डर, देन इट्स एडिशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर सम अगर नहीं रहा इनका मतलब ऑर्डर सेम, तो ये पॉसिबल नहीं। और जो एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर सेम ही आएगा, समझ रहे हो आप, इसका भी ऑर्डर सेम ही आएगा। तो यहाँ से अभी क्या देखें, हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्या होगा, लेट मान लिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कैसे आएगा, आई जे देगा एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या है, M × n, एंड एक और मैट्रिक्स है बी, इसका एलिमेंट कैसे आएगा, BIJ, मतलब आई क्या बताता है, कॉलम, जे क्या बताता है, आई क्या बताता है, रॉ किस रॉ में है,
जे क्या बताता है किस कॉलम में है, ठीक है। ये भी इसका भी ऑर्डर m इंटू एन में है, तो मर्डर मतलब क्या ऑर्डर देखिए दोनों का सेम है। देन इट्स एडिशन, एडिशन इज गिवेन बाय क्या है c, हम मान लिए c बना रहा है ये दोनों का जोड़ के, क्या a प्लस बी, तो क्या बन रहा है ये c, c क्या है c, c बन रहा है। c का एलिमेंट कैसे निकालते हैं, i j करके निकालेंगे, इसका भी c c c i j देगा, इसका भी क्या आएगा ऑर्डर m इंटू एन ही आएगा, मतलब ऑर्डर सेम ही आएगा। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जब सेम रहेगा तभी उसका एडिशन पॉसिबल है, इतना याद रखिए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो c का एलिमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, एडिंग द एलिमेंट ऑफ करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब a किसके साथ करेंगे, ए आई j प्लस बी आई जे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, आई जे के हर वैल्यू के लिए, आई वन वन लेंगे तो यहाँ भी ए का वैल्यू ए में आई आई जे वन वन लेंगे तो यहाँ भी आई वन वन लेना होगा, आई जे वन वन आई जे वन वन, यहाँ वन टू लेंगे तो यहाँ भी वन टू वन टू, तो जो ऐड करने का जो एलिमेंट जैसा दिया रहेगा वैसा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट रूट थ्री वन माइनस वन और क्या है टू फाइव टू थ्री जीरो, ये है। एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है कुछ इस तरह टू रूट फाइव वन और क्या है और है माइनस टू थ्री एंड वन बाय टू, चलिए वन वन ही ले लीजिए ताकि आसान हो जल्दी से, ठीक है। देखिए एक का ऑर्डर क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ फाइंड करने बोल रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी बोल रहा है मतलब एडिशन बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या खोजेंगे ऑर्डर खोजेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखेंगे इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो टू है, टू रो है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, टू इंटू थ्री का ऑर्डर, इसमें देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो टू और रो है एक दो तीन, तीन कॉलम मतलब टू इंटू टू का ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, सेम है सेम है सेम, डैट इज क्या है डैट इज टू इंटू थ्री, तो इसका क्या है इसका एडिशन, इसका एडिशन क्या है पॉसिबल है, तो एडिशन होने के बाद ए प्लस बी बोला है निकालने, ए प्लस बी करते हैं क्या आएगा, ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करेंगे रूट थ्री प्लस क्या करेंगे टू, फिर क्या करेंगे वन प्लस क्या करेंगे रूट फाइव माइनस वन, किसके साथ ऐड होगा माइनस वन, वन के साथ ऐड होगा सेकंड, टू किसके साथ ऐड होगा माइनस टू के साथ माइनस टू, और उसके बाद थ्री किसके ऐड साथ ऐड होगा थ्री के साथ, जीरो किसके साथ ऐड होगा वन के साथ, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम टू इंटू टू टू इंटू थ्री का मैट्रिक्स बना, अब इसको ऐड करने के बाद जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एडिशन समझ में आया, कहीं भी प्रॉब्लम एडिशन समझने में, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, अब क्या पढ़ेंगे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब क्या इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है ये, इसमें क्या पढ़ेंगे कि कोई मैट्रिक्स है, अब उस मैट्रिक्स में कोई किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेगा ये जो राम का जो कंपनी है ना ये अब दो गुना प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए पहले फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रहा था इतना प्रोड्यूस कर रहा था, राम से पढ़ देखिए राम्स फैक्ट्री प्रोड्यूसर डबल डबल रेट प्रोड्यूसर डबल इन डबल रेट में प्रोड्यूस किया एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोडक्ट, देखिए चलिए हटेंगे यहाँ तक, इन डबल रेट में प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंपनी फैक्ट्री ए जो है फैक्ट्री ए कितना प्रोड्यूस कर रहा था, कितना कैटेगरी वन टू थ्री के लिए कितना कितना प्रोड्यूस कर रहा था, देखिए यहाँ पे 20 40 20 50 40 बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए 20 50 40 50 40 गर्ल्स के लिए कितना प्रोड्यूस कर 30 20 50 30 20 एंड
50 इतना प्रोड्यूस करता था गर्ल्स के लिए। ये एक मैट्रिक्स हमारा बना था, क्या है राम से फैक्ट्री, जो राम का फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रहा था इन डबल रेट में, जो पहले जितना प्रोड्यूस कर रहा था उससे। ये क्या, ये प्रीवियस प्रोडक्शन ऑफ शूज, प्रीवियस प्रोडक्शन ऑफ शूज ऑफ कंपनी ए, ऑफ फैक्ट्री ए, फैक्ट्री ए प्रीवियसली कितना प्रोड्यूस कर रहा था इतना। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, जब ये प्रीवियसली प्रोड्यूस कर रहा था, अब क्या बोल रहा है, फैक्ट्री ए ये जो है डबल प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं, ये जो अब डबल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जितना पहले प्रोड्यूस करता था उसका दो गुना प्रोड्यूस कर रहा है, तब क्या होगा, तो अब क्या होगा, नाउ अब क्या होगा, ये जो कंपनी है कितना प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए कंपनी कैटेगरी वन का, कैटेगरी टू का, कैटेगरी थ्री का, बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए शूज, तो ये कितना, बॉयज़ के लिए कैटेगरी वन का भी डबल प्रोड्यूस कर रहा है, कैटेगरी टू का जो प्रोडक्ट है बॉयज़ के लिए कंपनी फैक्ट्री ए कितना डबल प्रोड्यूस कर रहा है जितना पहले प्रोड्यूस करता था, ये भी थ्री कैटेगरी का भी डबल प्रोड्यूस, डबल मंस क्या, सब डबल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें भी ये भी डबल प्रोड्यूस कर रहा है, इतने कैटेगरी का भी डबल प्रोड्यूस कर रहा है और इतना कैटेगरी का भी, थ्री कैटेगरी का भी डबल प्रोड्यूस कर रहा, तो एक मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए इसमें से क्या होगा, ये जो टू है ना टू, इस टू का पूरा मैट्रिक्स कॉमन कर लेते हैं बाहर, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या आ जाएगा, 20 50 40 30 20 50। देखिए ये फिर से वही आ गया जो था, तो इसका मतलब क्या, अगर आप किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट में जाके, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ वो स्केलर मैट्रिक्स, वो स्केलर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन जनरल फॉर्म में इसको देखते हैं क्या, देखिए लेट के बी अ स्केलर, स्केलर है स्केलर, एंड ए बी अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, एम इंटू एन का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट कैसे आएगा, ए आई जे, ठीक है, क्या है ऑर्डर एम इंटू एन, तो इसका अब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, के इंटू ए, के से इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, के इंटू ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है। अब ये देखिए हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम लोग ए वन वन फाइंड करना चाहें तो के इंटू ए वन वन होगा, ए वन टू फाइंड करना चाहें तो के इंटू ए वन टू होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू एंड ए टू थ्री, इसका ऑर्डर क्या है, टू इंटू थ्री का ऑर्डर है, टू रॉ है, थ्री कॉलम है। अब किसको के साथ कोई स्केलर है, के इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए वन वन हो जाएगा, के इंटू ए वन टू हो जाएगा, के इंटू ए वन थ्री हो जाएगा, के इंटू ए टू वन हो जाएगा, के इंटू ए टू टू हो जाएगा एंड के इंटू ए टू थ्री हो जाएगा, टू इंटू थ्री का ही मैट्रिक्स रहेगा, मतलब ऑर्डर सेम ही रहेगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर के साथ। तो समझ में आया यहाँ तक आपको कैसे निकालना है। अगर उसमें यहाँ से देखिए इसमें, देखिए इसमें अगर आप चाहे तो इससे दो दो कॉमन कर सकते हैं, दो दो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स से आप चाहे तो इसमें लग रहा हमको कि दो का मल्टीपल है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में, देखिए सब दो से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इससे चाहे तो दो कॉमन कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है आपको बात कहने का मतलब यहाँ पर देखिए हर एक में मल्टीप्लाई किए थे दो दो से, इसलिए दो का पूरा मैट्रिक्स से बाहर निकाल दिए। देखिए टू जो कोई भी स्केलर उस मैट्रिक्स से बाहर कॉमन कैसे आएगा, जब हर एक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होगा तभी वो बाहर आएगा,
तो इसमें देखिए लग रहा है ना हर एक एलिमेंट में दो से मल्टीप्लिकेशन है, अगर दो इसमें डिवाइड कर दे दो से तो सब कट जाएगा, तो इससे दो कॉमन कर लेंगे तो जो मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बनेगा। तो उसी तरह हम लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ किसी मैट्रिक्स का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसी तरह कि किसी उस मैट्रिक्स में किसी स्केलर के साथ डिवीजन भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। डिवीजन होगा तो क्या होगा, फॉर डिवीजन के लिए देखिए यहाँ फॉर डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। जब यहाँ तक आ गया तो डिवीजन के लिए क्या, एक मैट्रिक्स है इसको के से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या स्केलर से मैट्रिक्स डिवाइड कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है क्या है, यही है, मान लीजिए यही है, यही मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसी को ले लिए, इसका यही एलिमेंट है, ठीक है, 40 50, ठीक है। तो ये क्या है डिवाइड कर रहे हैं कितना से, के से, अब के से इसमें डिवाइड हो जाएगा, अगर के मान लीजिए अगर 2 है, मान लीजिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 भी क्या है स्केलर ही है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अंदर जाके सब में डिवाइड होगा, 20 में डिवाइड होगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसमें डिवाइड होगा 25, इसमें डिवाइड होगा 20, इसमें डिवाइड होगा 10 एंड इसमें डिवाइड होगा तो 25, ये न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा आपका। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आया कि अब सबट्रैक्शन के लिए क्या होगा, सबट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे यहाँ एडिशन किया था, देखिए यहाँ एडिशन में हम लोग क्या किए थे, देखिए एक कोई मैट्रिक्स था लेट ए A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23 एंड बी भी कोई मैट्रिक्स है कि क्या है A B11, B12, B13, B22, B23 एंड B21, B23 इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है। तो देखिए आर टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, ठीक, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी है, तो इसका सबट्रैक्शन देन क्या करेंगे, इट्स सबट्रैक्शन इज गिवेन बाय, इसका सबट्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग वो देखेंगे, देखिए कैसे होगा। तो हम लोग एडिशन किए थे, एडिशन के में क्या किए थे, सेम मैट्रिक्स जो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एडिशन कर रहे हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग का जो एलिमेंट है वो दोनों का एडिशन कर दिया था सिंपली। तो यहाँ भी सेम रूल फॉलो होगा, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर बराबर होगा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर का, मतलब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखिए बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा उसके साथ उसका माइनस कर देंगे, मतलब सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वही आ जाएगा आपका आंसर। देखिए ए माइनस बी क्या करेंगे, ए माइनस बी कैसे आएगा, ए वन वन माइनस बी वन वन, ए वन टू माइनस बी वन टू, ए वन थ्री माइनस बी वन थ्री, फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो में ए टू वन माइनस बी टू वन, ए टू टू माइनस बी टू टू, ए टू थ्री माइनस बी टू थ्री, इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, वही आएगा जो मैट्रिक्स ए का है और बी का है 2 × 3, ठीक है। ये आपका सबट्रैक्शन का फॉर्म और मतलब फॉर्मूला हो गया, समझ गया आपको सबट्रैक्शन कैसे करना, सेम फॉलो द सेम रूल एज फॉलो एज इन एडिशन, ठीक है। तो अब यहाँ इन जनरल फॉर्म में देखते हैं, इन जनरल फॉर्म याद रखिएगा ये आप, ठीक है, जनरल फॉर्म में क्या होगा, कोई लेट लेट टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस ए, एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट क्या देगा, ए आई जे देगा, इसका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन का ऑर्डर है मान लीजिए, एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट क्या देगा, बी आई जे देगा, जिसका ऑर्डर भी क्या है, एम इंटू एन है, तो ऑर्डर सेम है, बोथ ए एंड बी हैज सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एम इंटू एन, ठीक है।
देन इट्स सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इज गिवेन बाय, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा ए माइनस बी, ये क्या आएगा कोई मैट्रिक्स आएगा सी, सी आएगा ना कोई मैट्रिक्स, और ये क्या होगा, ये क्या होगा इसका, ये सी का एलिमेंट क्या देगा इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन, इसका एलिमेंट कैसे आएगा ए आई जे से आएगा, और इसका एलिमेंट कैसे आएगा बी आई जे से आएगा, देखिए बी का एलिमेंट बी आई जे से आएगा, ए का एलिमेंट ए आई जे से आएगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा एम इन टू एन ही का ऑर्डर होगा। तो देखिए ये क्या बना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या सी, सी का एलिमेंट कैसे आ निकालते हैं हम लोग किसी मैट्रिक्स का उसके साथ आई जे के साथ, ठीक है, यहाँ ये सिंपली इसके करने के बाद ऐसा बना सकते हैं आप, ठीक है। तो C को हम लोग कैसे निकालेंगे, C I J कैसे निकालते हैं A I J माइनस B I J, ऐसे करके निकालेंगे C का एलिमेंट, मतलब इन दोनों का जो सबट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका एलिमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इनका एलिमेंट के इसका एलिमेंट इसके का इसके एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका एलिमेंट का सबट्रैक्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आया कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को आपको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स।